हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 8 फॉर द जनरल अवेयरनेस। टोटल, जैसे कि आप सभी को पता है, टोटल हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहते हैं। जल्दी से इन्हें डिस्कस करेंगे एंड इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट टू गेट फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम सर्विसेज इन फर्स्ट फेज ऑफ लॉन्च इन इंडिया। सो कौन से स्टेट को, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसे फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम सर्विस जो है फर्स्ट फेज में मिलेंगी। तो आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उड़ीसा। टोटल 8 सिटीज में यहाँ पे जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और इन सर्विस को प्रोवाइड कौन करेगा, एक तो आपका है रिलायंस जियो, रिलायंस जियो, ठीक है। सेकेंड कंपनी आपकी क्या है, भारती एयरटेल। क्या नाम है, भारती एयरटेल, ठीक है। एंड रिसेंटली अभी हमने न्यूज में पढ़ा था, दैट इज जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था उड़ीसा में एल्यूमिनियम फ्राइट रेट, ठीक है। रिसेंटली इन्होंने ये इनॉग्रेट किया था। और अभी हमने कल परसों ही मॉक टेस्ट में पढ़ा था कि जैसे जो फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव है, जो फीफा और उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, जिसके तहत जो है ये स्टेट में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। उस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा था हमने, वो किसने लॉन्च किया था, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और वहां पे इन्होंने अप्रॉक्स आपके 43,000 जो है फुटबॉल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की थी स्कूल्स में, ठीक है। एंड ओडिशा को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2021, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2021 के तहत जो है इसका अवार्ड दिया गया था। किस कैटेगरी में, बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, बेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव, किस में, बेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव बाय स्टेट, बेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव बाय स्टेट्स अंडर स्पेशल कैटेगरी। किस कैटेगरी में, अंडर दी स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च शगुन 366 फिक्स्ड डिपॉजिट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितने थे आपके, 7.8% फॉर नॉर्मल पीपल्स एंड सीनियर सिटीजन के लिए 8.3%, ठीक है। अब रिसेंटली ही हमने पढ़ा था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ही एक शगुन स्कीम निकाली थी 501, क्या नाम था इसका, शगुन 501, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो आपके थे वो थे 7.9%, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.40%, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। और ये स्कीम जो थी ये दिवाली दशहरा पे इन्होंने जो है ऑफर दिया था और ये वैलिड थी आपकी टिल अक्टूबर, ठीक है, एंड ये वाली वैलिड आपकी है टिल नवंबर, ठीक है। एंड इसके साथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ कौन है, तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम क्या है, इंद्रजीत कमोत्रा, ठीक है, इंद्रजीत कमोत्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ अ ब्रेल वर्जन ऑफ असामी डिक्शनरी नेम्ड डैश व्हिच वाज क्रिएटेड बाय द हेमचंद्रा बरुआ एंड पब्लिश्ड इन 1900। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है, इस डिक्शनरी का नाम आपका है हेमकोश, ठीक है, क्या नाम है इसका, हेमकोश, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आप ऐसे याद रख सकते हो, हेमचंद्रा ने बनाई है तो हेमकोश इसका नाम है, ठीक है। और ये जो डिक्शनरी है वो किसने दी थी पीएम मोदी को, तो इनका नाम है जयंता, जयंता भरुआ, ठीक है, क्या नाम है इनका, जयंता भरुआ ने, इन्होंने जयंता भरुआ ने पीएम मोदी को जो है ये डिक्शनरी दी थी। एंड इस डिक्शनरी में जो है 22,346 वर्ड्स हैं, ठीक है, 22,346 वर्ड्स इस डिक्शनरी में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द टूल किट फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023। सो जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है, तो यहाँ पे पहले आंसर देखते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये जो इनिशिएटिव है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ये लॉन्च किया था स्वच्छ भारत दिवस, स्वच्छ कब लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत दिवस जो आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है, 2 अक्टूबर को, ठीक है, वहां पे इन्होंने ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया था। कौन सा इनिशिएटिव, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने जो है इसकी टूल किट रिलीज की है, ठीक है। एंड अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इन्होंने रिसेंटली, दैट इज ऑन 1 नवंबर, इन्होंने लॉन्च किया था वाटर वीक, ठीक है, इंडिया का वाटर वीक इन्होंने जो लॉन्च लॉन्च किया था, कब, 1 नवंबर को, ठीक है, इंडिया का वाटर वीक, और जो 7th एडिशन था वाटर वीक का, ठीक है, जो हमने रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग सेलिब्रेटेड इट्स डैश ईयर एनिवर्सरी ऑन 10 सितंबर 2022। सो इस साल हमने सेलिब्रेट की है इसकी सेकेंड एनिवर्सरी। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इस स्कीम को 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है एंड इसका मेन मोटिव क्या है, दैट इज कि जो हमारा फिशरीज सेक्टर है उसको ग्रोथ प्रोवाइड करना, ठीक है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना करवाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इनिशियली जो है इसका आउटले कितना दिया गया था, दैट इज 20,050 करोड़ रुपीज, ठीक है। एंड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इन्होंने यहाँ पे एक पोर्टल एक डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड, ठीक है। क्या नाम था इसका, मैनेजमेंट मैनेजमेंट ठीक है इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड, ये उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था ताकि जो भी चीज जैसे एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या मार्केट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी चीज, जो भी इस चीज में इस स्कीम में कुछ भी अगर जो है इंक्रीमेंट आई मीन एडिशन कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें अपडेट एक ही जगह पे होंगी, एक प्लेटफॉर्म पे होंगी और सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करने के लिए जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड है ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज इंडसइंड बैंक ने जो है ये पार्टनरशिप की है जिसमें अराउंड जो है आउटले या जो आप कह सकते हो पार्टनरशिप कितने रुपीज की हुई थी या कितने, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 70 मिलियन US डॉलर की, या फिर अप्रॉक्स आपका 560 करोड़ की आप बोल सकते हो ये डील हुई थी। एंड रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने जो है एक पैनल जो है नॉट पैनल पोर्टल जो है उसे लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, ईनाम पोर्टल। क्या नाम था, ईनाम पोर्टल डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया था, ईनाम पोर्टल। एंड रिसेंटली उन्होंने पार्टनरशिप की थी रूपे के साथ, किसके साथ, रुपए के साथ, किस चीज के लिए, ऑफ जो आपका पेपरलेस लोन है उसे ऑफर करने के लिए, पेपरलेस लोन किसके लिए, यूज्ड कार्स के लिए, किसके लिए, यूज्ड कार्स के लिए इन्होंने ऑफर किया था पेपरलेस लोन, ठीक है, रुपए के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया था। एंड यहाँ पे इंडसइंड बैंक के आपके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, सुमंत कटपलिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2022 फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 richest as of October dash tops the list with the net worth of 150 billion US dollar. तो किस पर्सनालिटी ने यहाँ पे जो है टॉप किया था, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गौतम अदानी। एंड सेकेंड नंबर पे आप थे आपके मुकेश अंबानी, थर्ड इज योर राधा कृष्णन दामानी, ठीक है, एंड साइरस पुनेवारा, ये सीक्वेंस में ही आपके जो है इनकी लिस्ट थी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, डैश इंडिकेट्स दैट आवर कंट्री इज इंपोर्टिंग मोर देन इट इज एक्सपोर्टिंग। तो इस टर्म को कौन सी टर्म यहाँ पे यूज की जाएगी इन पांचों ऑप्शन में से, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसे हम बोलते हैं करेंट डेफिसिट या फिर ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द ब्लूमबर्ग जीडीपी फिगर्स रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज ऑफ सितंबर इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बाय ओवरटेकिंग विच कंट्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इंडिया ने ओवरटेक किसे किया था, यूनाइटेड किंगडम को, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम जो है न्यूज में था बिकॉज ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है उन्हें पीएम बनाया गया है, ठीक है, और उन्होंने रिप्लेस किसे किया है, लिज ट्रस को, ठीक है। और जो लिस्ट्रस है इन्होंने 50 डेज जो है यहाँ पे शासन किया था, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है अभी तक का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। एंड जो आपका यूएसए है यहाँ पे अगर हम लिस्ट बनाएं तो सबसे पहली जो ये लार्जेस्ट इकोनॉमी किसकी है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएस की, देन फॉलोड बाय चाइना, देन जापान, एंड देन आपकी आती है जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव द सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 बाय द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑन सर सैयद डे विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 17 अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस अवार्ड को दिया गया है बर्बरा डिले मेटकैल्फ को, जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड ये सर सैयद डे कब मनाया जाता है आपका, 17 अक्टूबर को। एंड सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान कौन है, ये फाउंडर है, ये आपके फाउंडर है किसके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, ठीक है, और इन्हीं के नाम पे ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। एंड इस बार हमने इनकी एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी कौन सी सेलिब्रेट की थी, 205th एनिवर्सरी हमने इनकी सेलिब्रेट की थी, ठीक है। अब बात करें अगर नेशनल अवार्ड की, ठीक है, सर सैयद एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड किसे दिया गया था, ये एक फाउंडेशन है न्यू दिल्ली की जिनका नाम क्या है, मौलाना, इनका नाम है मौलाना
आजाद, मौलाना आजाद एजुकेशन, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम प्राइज मनी की बात करें, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अवार्ड दिया गया है उसकी प्राइज मनी, दैट इज बारबरा डेले मेटकैफ जो है, इनको जो प्राइज मनी दी गई थी वो 2 लाख की थी, ठीक है। वेयरस नेशनल लेवल पे जो इन्हें अवार्ड दिया गया है, सर सैयद नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, ठीक है, इसमें जो है प्राइज मनी दी गई थी 1 लाख की, ठीक है। नेशनल लेवल पे 1 लाख की प्राइज मनी, वेयरस इंटरनेशनल लेवल पे ये 2 लाख की है जो है प्राइज मनी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च स्वामी विवेकानंदा युवा शक्ति योजना विच एम्स एट एम्पावरिंग रूरल यूथ टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हिज गवर्नमेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर यहाँ पे है आपका दैट इज कर्नाटका, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। एंड यहाँ पे जो स्कीम है, यहाँ पे इसके इसके अंडर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बनाए जाएंगे यूथ के लिए इन 28,000 विलेजेस, ठीक है, 28,000 विलेजेस में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे किसके लिए, यूथ के लिए, ठीक है। एंड रिसेंटली जो कर्नाटका है, इन्होंने डेल टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे एक साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस जो है वो की थी, ठीक है। एंड इन्होंने अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था दैट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन इन्होंने टेल मैनस, ठीक है, दैट इज टेली मानस इनिशिएटिव जो है वो इन्होंने लॉन्च किया था। और आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये होता है आपका 10 अक्टूबर को, और इसकी थीम क्या थी, मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी, ठीक है, क्या थी, मेकिंग मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विश बैंक मेड एन अनाउंसमेंट दैट द पॉजिटिव पे स्कीम दैट इज पीपीएस, जिसे किसने डेवलप किया है, एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, इज मैंडेटरी फॉर द चेक्स ऑफ ₹10 लाख एंड अबव विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 4, 2022। सो कौन से बैंक ने ये मैंडेट जारी किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है आपके, अतुल कुमार गोयल, क्या नाम है इनका, अतुल कुमार गोयल, ठीक है, अतुल कुमार गोयल इनका नाम है। और रिसेंटली जो इंडियन आर्मी है, जिन्होंने अभी रिसेंटली अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स के लिए अग्निपथ स्कीम के अंडर जो है अग्रीमेंट साइन किया था, एमओयू साइन किया था 11 बैंक्स के साथ, उसमें एक बैंक आपका पंजाब नेशनल बैंक भी था, ठीक है। और जो टैगलाइन क्या होती है पंजाब नेशनल बैंक की, दैट इज नेम यू कैन बैंक अपॉन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या टैगलाइन है आपकी, नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। तो कभी कभी आपको टैगलाइन भी पूछी जा सकती है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द ऐप दैट बिकेम द फर्स्ट ऐप टू गो लाइव ऑन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन बेंगलुरु कर्नाटका। सो इनमें से कौन सी ऐसी ऐप है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज पेटीएम मॉल, ठीक है। इस ऐप का नाम क्या है, पेटीएम मॉल। एंड अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था जो पेटीएम के आपके सीईओ हैं वो रीअपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है, विजय शेखर शर्मा, क्या नाम है इनका, विजय शेखर शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग्स, इंडिया रैंक डैश आउट ऑफ 85 कंट्रीज वाइल डैश टॉप सी लिस्ट। सो यहाँ पे जो है इंडिया की रैंक कितनी है, ये दैट इज 31st रैंक, एंड यहाँ पे टॉप किया है आपका स्विट्जरलैंड ने, ठीक है, किसने टॉप किया है, स्विट्जरलैंड ने, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंड एज पर द रिपोर्ट, इंडिया जो है वो चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इंडिया की ग्लोबली, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, चाइना एंड वियतनाम, ठीक है। अगर हम बाकी अदर फैक्टर्स देखें, ठीक है, इंडिया के कौन कौन से फैक्टर्स पे यहाँ पे जो है ये कैटेगरी बनाई गई थी, तो बाकी फैक्टर्स आपके क्या है, एडवेंचर, ठीक है, एलिगिलिटी, कल्चरल इन्फ्लुएंस, एंटरप्रेन्योरशिप, हेरिटेज, मूवर्स, ओपन फॉर द बिजनेस, पावर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेशल पर्पसेस, ये सारी आपके कैटेगरीज थी, ठीक है। एंड ओवरऑल जो रैंक आया इंडिया का वो है आपका 31st रैंक, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन 23rd अक्टूबर वी सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे 2022 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब, दैट वॉज वॉट वॉज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे। सो 23rd अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं आयुर्वेदा डे, क्योंकि उस दिन धन्वंतरी जयंती होता है, ठीक है। एंड इस बार हमने जो है 7th एडिशन जो है सेलिब्रेट किया था आयुर्वेदा डे का। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कब हमने स्टार्ट किया था आयुर्वेदा डे मनाना, सो 2016 से हमने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड इसकी मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या थी, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट साइन एन एमओयू विद द एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड टू रीडेवलप द मिनिस्ट्रीज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ओल्ड एट कस्तूरबा गांधी मार्ग फॉर ₹175 करोड़। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके यहाँ पे मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट इज बैड बैंक इज। तो मिनिमम कैपिटल आपकी कितनी रिक्वायर्ड होती है ओपन करने के लिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को? ठीक है, तो मिनिमम कैपिटल यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट जो है वो 100 करोड़ है, बट ये इंक्रीज होके 2024 तक कितनी हो जाएगी, 200 करोड़। अगर 2026 की बात करें तो ये इंक्रीज होके हो जाएगी 300 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट साइन एन एमओयू विद द बांग्लादेश रोड एंड हाईवेज डिपार्टमेंट फॉर द इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और इसके चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव वेदे। ठीक है, इनका नाम क्या है, श्रीकांत, श्रीकांत माधव वेदे। ठीक है, वैद्य इनका नाम है, और इन्होंने जो नफीद है दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके साथ जो है एक एमओयू साइन किया था जिसमें इन्होंने बात की थी सेटिंग सेटअप करने के लिए बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स को। किसको, बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स प्रोजेक्ट्स को। और किसके साथ ये एमओयू साइन किया गया था, एमओयू साइन किया गया था आपका नफीद के साथ, नफीद के साथ। नफीद क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी अपॉइंटेड लियोन मेसी एज इट्स फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। सो कौन से ऐसा ब्रांड है इसमें से जिन्होंने अपॉइंट किया है लियोन मेसी को एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बायजूस। और बायजूस जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, जो आपका कब होना है, 20 नवंबर से, कब होना है, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक होना है। ठीक है, और कहाँ पे होगा आपका वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये होगा आपका कतार में। ठीक है, एंड जो लियोन मेसी हैं उन्हें सबसे ज्यादा जो है बैलेंडोर अवार्ड दिए गए हैं, ये भी हमने पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रिसेंटली साइन एन एमओयू विद एनएलसी इंडिया लिमिटेड टू डेवलप 1000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। सो कौन से स्टेट ने यहाँ पे जो है इसे, कौन से स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज असम गवर्नमेंट ने। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था इन्होंने, असम गवर्नमेंट ने जो है, या असम, असम में जो है अभी अक्टूबर के मंथ में एक फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया था, जिसका नाम क्या था, काटी बिहू। काटी बिहू फेस्टिवल जो है अक्टूबर में सेलिब्रेट किया गया था। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था जो असम की स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उन्होंने जो है यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है किस कंपनी के साथ, माइक्रोसॉफ्ट, लार्सन एंड टोब्रो एंड हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ। ठीक है, असम गवर्नमेंट ने असम स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए, किसके लिए, असम स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए जो है एमओयू साइन किया है यहाँ पे किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई आपकी, लार्सन एंड टोब्रो हो गई, एंड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ, स्किल काउंसिल के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिसेंटली ये भी पढ़ा था कि असम के साथ अरुणाचल प्रदेश ने, इन दोनों ने ही जो है नामसाई अग्रीमेंट भी अभी साइन किया था बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज कॉल्ड दूर से नमस्ते अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दैट इज यूसेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, एंड इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है, कैथरीन रिसर। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल पेंशन प्लान विच इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड यूनिट लिंक्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे इंट्रोड्यूस किया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एंड यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने, हमने पढ़ा था धनवर्षा जो है स्कीम भी इन्होंने लॉन्च की थी, जो वैलिड है आपके 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, कौन सी स्कीम थी ये, धनवर्षा, धनवर्षा। ठीक है, एंड यहाँ पे LIC, इन्होंने एक और चीज यहाँ पे लॉन्च की थी, दैट इज LIC न्यू पेंशन प्लस। ठीक है, इन्होंने क्या लॉन्च किया था, LIC न्यू पेंशन प्लस, ये स्कीम भी इन्होंने लॉन्च की थी, जिसमें इन्होंने यूनिक आइडेंटिफाई नंबर यहाँ पे जो है लॉन्च किया था। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव द ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को इस ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इन्हें पुरस्कार दिया है किस चीज के लिए, राजभाषा कीर्ति कीर्ति पुरस्कार। ठीक है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी दिवस के दिन किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्हें दिया है ऑन हिंदी दिवस, जो आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है, ऑन 14th of September। ठीक है, 14th of September को हिंदी दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया था किसे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। ठीक है, अब आपने रिसेंटली सुना होगा अगस्त की न्यूज है कि यूएस नेवी का जो शिप था चार्ल्स ड्र्यू, क्या नाम था इसका, चार्ल्स ड्र्यू, जो जो इंडिया का जो पोर्ट है, कौन सा पोर्ट में इसने जो है ये रुका था। ठीक है, तो ये पोर्ट है आपका लार्सन एंड टर्बो पोर्ट, जो आपका लार्सन टर्बो शिपयार्ड। ठीक, क्या नाम है इसका, लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड, जो आपका कहाँ पे है, जो लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, वहां पे ये रुका था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, डैश इज द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एट फिजिकल टच पॉइंट्स इन क्वार्टर वन 2022 फॉर वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट क्वार्टर वन। सो कौन सा स्टेट जो है, जो जिसे हाई जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो की थी इन क्वार्टर वन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसका, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र ने यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन की थी। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु, देन थर्ड इज योर कर्नाटका, फोर्थ इज आंध्र प्रदेश एंड फिफ्थ इज योर केरला। अगर हम ऐसे ही सिटीज की बात करें तो पहले नंबर पे आपकी सिटी आती है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, नेक्स्ट बेंगलुरु। ठीक है, आपकी थर्ड नंबर पे आती है चेन्नई, फोर्थ इज योर मुंबई एंड फिफ्थ में आपका नंबर है पुणे का। ठीक है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, पुणे सिटीज में ये आपकी जो है पूरी लिस्ट है। वेयरएज अगर हम अभी बात करें रिसेंटली जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसमें बेस्ट स्टेट ट्रॉफी जीती थी, किसमें, 36th नेशनल गेम्स जो आपके हेल्ड हुए थे अहमदाबाद में। ठीक है, जो आपके 36th नेशनल गेम्स हुए थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेशनल गेम्स, उसमें किसे, महाराष्ट्र को कौन सी ट्रॉफी दी गई थी, उन्होंने जीता था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत इन्हें अवार्ड दिया गया था बेस्ट स्टेट ट्रॉफी में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु वॉन द गोल्ड इन द 2022 एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप इन ओपन सेक्शन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रमेश बाबू प्रगनंदा जो है इन्हें यहाँ पे गोल्ड मेडल दिया गया है। अगर हम विमेन सेक्शन की बात करें तो विमेन सेक्शन में यहाँ पे जो नदिंदा पीवी है इनको जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था और इस चैंपियनशिप से ये क्वालिफाई कर गए हैं वर्ल्ड कप 2023 के लिए। ठीक है, वर्ल्ड कप जो होगा 2023 का, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। ठीक है, और रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ा था अगस्त में, जो डिप्टी प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कौन बने हैं, तो इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। क्या नाम है इनका, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, और ये क्या बने हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट किसके, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के। ठीक है, एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। ठीक है, इनका नाम क्या है, संजय कपूर। क्या नाम है इनका, संजय कपूर। ठीक है, ये कौन है, ये आपके ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट है। क्या नाम है इनका, संजय कपूर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट अप्रूवल मेड इन ऑगस्ट 2022। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द 1200 करोड़ स्कीम फॉर डिस्पोजल ऑफ चना टू स्टेट्स एंड यूटीज अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड। नेक्स्ट इज, सीसीईए ऑल्सो अप्रूव्ड द एनहांसमेंट ऑफ अ सीलिंग ऑन क्वांटिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट अंडर पीएसएस फ्रॉम एग्जिस्टिंग 25% टू 40% विद रिस्पेक्ट टू इन रिस्पेक्ट टू तोर, उरद एंड मसर। नेक्स्ट इज, द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर साइनिंग एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या पूछा आपको, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई,
ऑल वन टू एंड थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दैट वर इंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट इट्स जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन. सो कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आपका है जो इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स में? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रचंड. इसका नाम क्या है? प्रचंड. और रिसेंटली जो है 8 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है, जो 90th जो है एनिवर्सरी थी इंडियन एयरफोर्स डे की, ठीक है. एंड यहाँ पे हमने रिसेंटली ये भी पढ़ा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने यहाँ पे जो है एक अप्रूव किया है न्यू ब्रांच किसकी? इंडियन एयरफोर्स की, जिसका नाम क्या है? वेपन सिस्टम ब्रांच. क्या नाम है इसका? वेपन सिस्टम ब्रांच. किसकी ये ब्रांच जो है ओपन की गई है? इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है. और जो आपका प्रचंड आपका जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये किसने बनाया है? HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने. और रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उन्हें जो है 16 एडवांस लाइट कॉम्बैट लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो अभी हैंड ओवर किए हैं, ठीक है. 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेसिल नॉर्म बैंक शुड मेंटेन -% ऑफ CAR दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. तो अगर हम बेसिल नॉर्म की माने तो बैंक को कितना परसेंट जो है CAR मेंटेन करना चाहिए? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बट RBI कहता है कि इंडियन बैंक को जो है 9% CAR जो है मेंटेन करना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन समर बद्रू बैनर्जी वॉज पास्ड अवे रिसेंटली पास्ड अवे ही बिलोंग्स टू विच स्टेट. सो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट बंगाल से. एंड वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इन्हें जो है 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है नवाजा था, ठीक है. एंड 2009 में जो है इन्हें एक अवार्ड दिया गया था जिनका नाम क्या था? मोहन बगन रत्ना, ठीक है. क्या नाम था इस अवार्ड का? मोहन बगन रत्ना, जो एक हाईएस्ट ऑनर होता है क्लब का, हाईएस्ट ऑनर होता है, ठीक है. तो वो इन्हें 2009 में जो है दिया गया था, ठीक है. एंड अगर अब रिसेंटली अभी हम बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इनका नाम क्या है? दैट इज कल्याण. क्या नाम है इनका? कल्याण चौबे, ठीक है. क्वेश्चन है, विच बैंक सेट अप रेस एज इट्स गोल फॉर 2022? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर सी. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो है गोल रखा था 2022 के लिए रेस. अब रेस की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रो रैम दैट इज रिटेल एग्रीकल्चर एंड MSME लोन्स. नेक्स्ट इज इंप्रूव एसेट क्वालिटी, बूस्ट CSA दैट इज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, एंड लास्ट इज ई इंक्रीज अर्निंग. तो पूरा इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज ग्रो रैम, रिटेल एग्रीकल्चर एंड MSME लोन को ग्रो करना है, ठीक है. एसेट इंप्रूव करना है, एसेट क्वालिटी को, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को जो है आपको ज्यादा से ज्यादा सेविंग इसमें रखनी है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज करना अर्निंग को. तो ये इनका क्या था? गोल था, ठीक है. आपको इसका जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसे आप नोट कर लीजिए. वेयर इज इसके यूनियन बैंक के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? अमानी मिखलाई, ठीक है. ये इसके MD एंड CEO है. और रिसेंटली जो है इन्होंने एक कमिटी जो है वो मेन फोकस कमिटी जो है वो लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था? प्रेरणा 2.0 एम्पावर हिम, प्रेरणा 2.0 एम्पावर हिम, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट क्वार्टर 1 जनवरी मार्च 2022 रिलीज इन मंथ ऑफ अगस्त. तो पहला आपका पॉइंट है, इन द क्वार्टर 1 2022 इंडिया रजिस्टर्ड 9.36 बिलियन ट्रांजैक्शन टोटलिंग रुपीस 10.25 ट्रिलियन थ्रू वेरियस पेमेंट मोड्स लेड बाय द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. नेक्स्ट इज द टॉप UPI एप्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऐप, अमेजोन पे एंड एक्सिस बैंक ऐप. नेक्स्ट इज द टॉप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर PSP दैट इज UPI प्लेयर्स फॉर येस बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC, HDFC बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट इज एज पर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया GDP ग्रोथ डिक्लाइन टू 5.7% इन 2022 एज कम्पेयर टू डैश इन 2021. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? 2021 में ये GDP ग्रोथ कितनी थी? दैट इज 8.2%. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. एंड NCAD के दैट इज UNCTAD के जो आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है? दैट इज रेबिका, इनका नाम क्या है? रेबिका
ग्रिंस्पैन, ठीक है, रेबिका ग्रिंस्पैन, और ये जो है 8th सेक्रेटरी जनरल बने हैं यहाँ के, ठीक है। एंड जो आपका अनकैट है, दैट इज UNCTAD का, आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका है कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द बैंक दैट साइन एन अग्रीमेंट विद द न्यू स्ट्रीट टेक्नोलॉजी फॉर माइक्रो लैंडिंग एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, इस बैंक का नाम है धनलक्ष्मी बैंक, ठीक है। धनलक्ष्मी बैंक की आपकी टैगलाइन क्या है, तन मन धन, बहुत अच्छे से आप इसे याद कर सकते हो, जो माता लक्ष्मी होती है उनकी जो आरती होती है उसमें भी ऐसा ही लाइन है, तन मन धन, तो आप ऐसे याद इसे रख सकते हो। धनलक्ष्मी बैंक की टैगलाइन क्या है, तन मन धन, और इसके सीईओ कौन है, शिवन जी के, ठीक है, शिवन जी के, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपका है केरला में, कहां पे इसका हेडक्वार्टर है, केरला में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कलेक्टेड बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21, व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड विद हेल्थ इंश्योरेंस। सो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट प्रोपोर्शन है इंडियन हाउस होल्ड इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज राजस्थान में, और कितना परसेंट है अगर हम कैलकुलेट करें तो इट इज 88%, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश जिसका 80% है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे है आपका गोवा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है, दैट इज आंध्र प्रदेश जिसमें 80% है, और थर्ड में आता है गोवा, और गोवा की आपकी है 73%, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे, अगर वर्ल्ड में हम बात करें तो इंडिया जो है वो 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया का कौन सा नंबर है, 10th पूरे वर्ल्ड में एज अ इंश्योरेंस मार्केट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट लॉन्च महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम टू डेवलप गोथांस एज अ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज छत्तीसगढ़। एंड छत्तीसगढ़ के जो आपके सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने रिसेंटली जो है एमओयू साइन किया था किसके साथ, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, दैट इज सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया था, क्यों, ताकि वो सेटअप कर सके इंडिया की लार्जेस्ट रीजनल, इंडिया की लार्जेस्ट रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी, टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड टेस्टिंग सेंटर, ठीक है। तो इन्होंने किसके साथ, सीपीआरआई जो आपका क्या है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बैंगलोर में स्थित है, इन्होंने इसके साथ एमओयू साइन किया है किस चीज के लिए, लार्जेस्ट रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने के लिए। एंड रिसेंटली उन्होंने जो है एक स्कीम लॉन्च की थी, दैट इज जो था आपका मुख्यमंत्री गौवंश, क्या नाम था इसका, मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, मोबाइल चिकित्सा योजना, ठीक है, ये भी इन्होंने रिसेंटली जो है लॉन्च की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च दी, विच स्टेट लॉन्च स्टेट लेवल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू हेल्प MSME। सो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा तमिलनाडु, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसके सीएम कौन है, MK Stalin। एंड यहाँ पे जो है रिसेंटली तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है पहला अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर, ठीक है, क्या स्टैब्लिश किया है, पहला अर्बन एनिमल रेस्क्यू, ठीक है, रेस्क्यू सेंटर, कहां पे इसे जो है डेवलप किया गया है, गुंडी, ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क, यहां पे इसे जो है सेटअप किया गया है। एंड रिसेंटली इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 की बात करें, इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 के बात अगर यहाँ पे की जाए, तो इन्होंने जो है अभी एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें बताया था जो तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश है वहां पे सबसे ज्यादा जो है मोस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो देखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द AIM, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग, अंडर द सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, दैट इज समृद्ध इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट हेल्थ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज USAID। एंड जो ये आपका इनिशिएटिव है समृद्ध इनिशिएटिव, इसका मेन मोटिव क्या है कि अच्छी और अफोर्डेबल जो हेल्थ केयर है वो टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज को जो है उन्हें प्रोवाइड की जाए, ठीक है, रूरल एंड ट्राइबल रीजन्स में, ठीक है। और USAID का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ये है आपका Washington DC में। एंड अभी रिसेंटली जो है मिशन डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, किसकी, USAID की मिशन डायरेक्टर ऑफ इंडिया, इनका नाम है वीना
रेड्डी, क्या नाम है इनका, वीना रेड्डी, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीटीएस इज अ प्रोसेस फॉर क्लियरिंग चेक्स इलेक्ट्रॉनिकली, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन सीटीएस। सो सीटीएस में टी का क्या मतलब होता है, सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ट्रंकेशन, ठीक है। टी का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रंकेशन, दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पूरा नाम क्या है इसका, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो एक प्रोसेस होता है चेक्स को इलेक्ट्रॉनिकली क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंप्लीटेड इट्स डैश ईयर ऑन 5 अप्रैल 2022। सो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है आपकी, इसने कितने साल कंप्लीट किए हैं, 5 अप्रैल 2022 को। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उसने, इस स्कीम ने सेलिब्रेट किए हैं 6 ईयर, ठीक है, 6 ईयर एनिवर्सरी यहाँ पे हो गई है। और ये इसका मेन एम क्या था, स्टैंड अप स्कीम का, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो विमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल जो ट्राइब्स होती हैं उन कैटेगरीज के लिए, इनको बेसिकली जो है इसका मेन एम क्या था, उनको उठाना, ठीक है, उनका सस्टेनेबल जो है ग्रोथ करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च दी सत्यनिष्ठा ऐप एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड टू हेल्प दी हेल्प एंड इन्वेस्टिगेट दी एंड हेल्प इन्वेस्टिगेट कंट्रोल क्राइम एक्टिविटीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने, और रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम भी हमने पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, हिमचर, ठीक है, जिस चीज के लिए, इरीगेशन को लिए, इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को, ठीक है। एंड जो आपका ये इनिशिएटिव है, ठीक है, जो ऐप है सत्यनिष्ठा, ये किस चीज के लिए है, जैसा कि यहाँ पे बताया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए है, और इसे किसके लिए बनाया गया है, स्टेट पुलिस के लिए। और स्टेट पुलिस क्या करेगी, एक डेटाबेस तैयार करेगी, ठीक है, जो भी क्रिमिनल्स होंगे उसकी डिटेल सारी यहाँ पे जो है वो स्टोर की जाएंगी, जैसे अगर कोई इन फ्यूचर क्राइम करता है तो उसके लिए वो काफी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में जो है पीएम मोदी ने कुल्लू दशहरा का जो सेलिब्रेशन था उसमें पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बिकॉज आज लाइट का इशू था हमारे यहाँ पे। सो कोई बात नहीं, आपको अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़।